हाय गाइस, फिर एक बार न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया और मस्त होंगे। अब फिर आए हैं बैदौली और सुल्तानपुर के बीच एक मुकाबला हो रहा है और आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें और लास्ट वीडियो दोनों ही इनिंग का वीडियो बनाएंगे हम और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग। और देखिए इस समय फील्डिंग बैदौली कर रहा है, इस समय फील्डिंग बैदौली कर रहा और बैटिंग सुल्तानपुर। और यहाँ पर देख सकते हैं आशीष चौधरी। बैदौली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी सुनी और सुल्तानपुर बैटिंग कर रहे हैं इस समय और बल्लेबाज ने हिट किया स्ट्रेट टू स्ट्रीट, वहां पर फील्डर मौजूद और मिसफील्ड होता हुआ। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा आयोग योगेश को और स्ट्राइक पे आए हैं सुनील जो काफ़ी खूंखार बल्लेबाज सुल्तानपुर के माने जाने खिलाड़ी हैं। ये क्वार्टर फाइनल मैच है और फैयाज खिला रहे हैं बॉलिंग और मिसफील्ड होता हुआ, अंपायर का इशारा वाइट और देखना है कितना रन दौड़ सकते हैं और दो रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सुनील को बाई के रूप में, वाइड भी बाई भी। और स्टेट टू स्टेट हिट किया सुनील ने, अंपायर के इशारा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ऐसे देखते सुल्तानपुर का 50 पूरा होता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की प्रगति पर। काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी सुल्तानपुर द्वारा और स्ट्राइक पे है सुनील, नॉन स्ट्राइक पे है योगेश और बॉलिंग मार्फत पे है फैयाज खान और हिट करना चाहा मगर ओवर की समाप्ति अंपायर का इशारा। 4 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन सुल्तानपुर का 2 विकेट के नुकसान पे। और ये टूर्नामेंट सठौली ने आयोजन किया और बैदौली बनाम सुल्तानपुर के बीच खेला जा रहा है ये मुकाबला, क्योंकि जो सुल्तानपुर बैटिंग कर रही है इस समय और बैदौली फील्डिंग। और कीपर चेंज होते हुए अशफाक भाई का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और फैयाज का स्थान लेने आए हैं बॉलिंग मार्फत पे आशीष चौधरी जो काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं और स्ट्राइक पे हैं योगेश, नॉन स्ट्राइक पे हैं सुनील। राइट बॉल, बहुत बढ़िया, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी आशीष चौधरी द्वारा। स्लिप पे हैं पॉइंट के दिशा में फैयाज खान, अभी बॉलिंग करके आए हैं और देख सकते हैं यहाँ पर फील्डर और फुल टॉस दिया वहाँ पर, हिट कर दिए अंपायर का इशारा बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ 6 रनों के लिए। और टप्पा बाल देते हुए आशीष चौधरी और अंपायर का इशारा बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए गेंद जाता हुआ। योगेश काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज और डायरेक्ट स्टेट टू स्टेट, वहां पर फील्डर मौजूद रवि जायसवाल जो पिछले मैच का विनर थे, उसने कैच किया योगेश को, बेबलियन लौटा दिया आशीष चौधरी ने। अब देखना उनका स्थान लेने कौन सा प्लेयर आते हैं सुल्तानपुर के। और नया प्लेयर आए हैं, पहले ही गेंदों पे हिट किया लेग साइड पे, वहाँ पर खुबैब मौजूद मिसफील्ड होता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ गेंद 4 रनों के लिए अंपायर का इशारा। अब्दुल लतीफ भी काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज सुल्तानपुर द्वारा आए हुए हैं और पहले ही बालों पे चौका हिट था और फिर स्टेट टू स्टेट वहाँ पर फील्डर मौजूद रवि जायसवाल और इसी तरीके से 2 विकेट झटका आशीष चौधरी ने। देखिए मुस्कुराता चेहरा, काफ़ी बेहतरीन। और अब्दुल लतीफ को बबलियन जाना होगा, अब देखना उसके स्थान पे कौन आते हैं कौन सा खिलाड़ी। चौधरी ने काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की और हिट करना चाहा बैटमैन रवि जायसवाल वहां पर मौजूद, जो कभी उनसे मिस होता ही नहीं क्योंकि अंडर 19 का खिलाड़ी है रवि जायसवाल। इस ग्राउंड में फजल खान का आगमन होता हुआ
जो देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन मुकाबला ये चल रहा है बैदौली बनाम सुल्तानपुर के बीच। और पिछले ओवर में आशीष चौधरी ने दो विकेट झटका और रन काफ़ी दिए, मगर काफ़ी बेहतरीन विकेट झटकने के बाद काफ़ी रोमांच आया मुकाबला में, उनका स्थान लेने आए हैं। काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी फैयाज द्वारा, शमशाद आए हैं लेफ्ट हैंड बैटमैन, जो काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी उनकी, गांव की लोगों ने कहते हैं कि काफ़ी खुखार बल्लेबाज भी हैं ये, देखना क्या कर सकते हैं अपने टीम के लिए, कितना योगदान देख सकते हैं अपने टीम के लिए। और वहां पर फील्डर मौजूद, हिट कर दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, मिस फील्ड होता हुआ, तार में टच हो चुका गेंद, इसलिए मिस फील्ड होता हुआ, अंपायर का इशारा चार रन। और शमशाद ने उठा दिया कैच, वहां पर फील्डर मौजूद और मिस फील्ड होता हुआ फैयाज खान से, और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी खराब फील्डिंग इस समय, कैच छोड़ोगे तो मैच छोड़ोगे, लाजिम है फैयाज खान। फैयाज खान को ये चाहिए कि अपने टीम के लिए काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी करें। वहाँ पर उठा दिया और वहाँ पर फील्डर मौजूद, मिस फील्ड होता हुआ स्वैप से, और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सुनील को। ऐसे ही फील्डिंग करोगे तो मैच नहीं जीत सकोगे, अपने फील्डिंग को सुधारिए। अब स्ट्राइक पे आए हैं शमशाद, नॉन स्ट्राइक पे हैं सुनील, बॉलिंग मार्फत पे हैं फैयाज, और दर्शक भी काफ़ी हो चुके हैं देख सकते हैं ग्राउंड में, और अंपायर का इशारा वाइट देख सकते हैं गाइस। यहां पर स्कोर किया जा रहा है ऑनलाइन स्कोर, और लेग साइड पे हिट किया, वहां पर फील्डर मौजूद आशीष चौधरी, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा शमशाद को। अंपायर का इशारा नो बॉल, हल्के हाथों से हिट किया, वहां पर फील्डर मौजूद, और फिर हिट का सामना शमशाद करेंगे, देखना है क्या कर सकते हैं अपने टीम के लिए, जो काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज हैं शमशाद। फिर हिट का सामना, मगर हल्के हाथों से टच किया, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा शमशाद को। अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति पर, 6 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 77 रन सुल्तानपुर का 4 विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइक पे आए हैं शमशाद, नॉन स्ट्राइक पे है सुनील, बॉलिंग मार्फत पे आए हैं कुफरान खान। 6 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 77 रन 4 विकेट के नुकसान पर सुल्तानपुर का, और पहले ही गेंदों पे हिट किया शमशाद ने लेग साइड पे, बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ गया 4 रनों के लिए। फैयाज का स्थान लेने आया है बॉलिंग मार्फत पे, और अंपायर का इशारा नो बॉल, गुफरान का दूसरा बॉल नो हो चुका है अंपायर का इशारा। अब देखना है फ्री हिट का सामना सुनील करेंगे, देखना है अपने टीम के लिए क्या कर सकते हैं, फ्री हिट का सामना क्या कर सकते हैं देखना है। और काफी सूझबूझ के बॉलिंग किए गुफरान, कोई रन नहीं, फ्री हिट का सामना, लॉस होगा। और लेफ्ट साइड में हिट किया, डायरेक्ट खेत में जाता हुआ गेंद, दो रन फिक्स वहां पे सुनील द्वारा मिला। स्ट्राइक पे है सुनील, बॉलिंग पे है गुफरान, और फिर डायरेक्ट हिट किया, वहां पर फील्डिंग मिस होता हुआ चौधरी द्वारा, मगर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सुनील को। काफी दर्शक भी ग्राउंड पे हैं देख सकते हैं आप लोग भी, काफी लंबी वाइट गुफरान द्वारा। गुफरान को ये चाहिए कि अपनी बॉलिंग सुधारें और अपनी टीम का नुकसान ना कराएं।
बाल पे बाल, बाल पे बाल, वाइड का ही सारा अंपायर का, और हिट किया वहां पर फील्डर मौजूद रवि जायसवाल जो काफी खुखार प्लेयर हैं बदौली द्वारा विकेट का झटक, एक विकेट नुकसान पे बढ़ता हुआ स्कोर, पांचवा विकेट का, सुरतनवापुर ने पांचवा विकेट खोए और इसी तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर, सत ओवर की प्रगति पर बढ़ता हुआ स्कोर 90 रन पांच विकेट के नुकसान पर। और टप्पा बाल को हिट किया वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना, और कहीं ना कहीं फील्ड मिस होता हुआ दो रन चुरा लिए चुरतनापुर के बल्लेबाज, काफी बेहतरीन सूझबूझ का खिलाड़ी। सातवें ओवर के समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 92 रन पांच विकेट के नुकसान पे सुरतनापुर के। गुफरान का स्थान लेने आए हैं बॉलिंग मार्फत पे आशीष चौधरी जो पिछले ओवर में दो विकेट झटके थे, और गुफरान भी अपने ओवर में एक विकेट पाए, और सुनील स्ट्राइक पे नॉन स्ट्राइक पे हैं। और कैच भी हैंड हुए सुनील जो बल्ले में टच हुआ गेंद और डायरेक्ट बोल्ड हुए, काफी बेहतरीन गेंदबाजी आशीष चौधरी द्वारा, छठवा विकेट गिरता हुआ सुरतनापुर का। सुनील का स्थान लेने आया है जितेंद्र, और देखना है क्या कर सकते हैं अपने टीम के लिए, कितना योगदान दे सकते हैं। और बॉलिंग पे आशीष चौधरी जो काफी बेहतरीन बल्ले गेंदबाजी हो रहा, और हिट किया वहां पर फील्डर मौजूद, देखना क्या कर सकते हैं कुबेब खान, और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा जितेंद्र को। और लेग साइड पे हिट किया वहां पर फील्डर मौजूद नहीं है, और बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ चार रनों के लिए अंपायर का इशारा, एक दाइम कोनो टाइम, और फिर हिट कर दिया वहां पर फील्डर मौजूद, देखना है कितना रन चुरा सकते हैं, और फील्ड मिस होता हुआ दो प्लेयर के बीच से अंपायर का इशारा चार रनों के लिए। बैदौली बनाम सुरतनापुर के बीच खेला जा रहा मुकाबला, पहला फर्स्ट सुरतनापुर बैटिंग कर रहा है इस समय, और बैदौली फील्डिंग, जो कि बैदौली ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी, और ऐसा ही गेंद छोड़ोगे तो मैच लाजिम में छोड़ दोगे आप लोग। ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है बैदौली बनाम सुरतनापुर के बीच खेला जा रहा है क्वार्टर फाइनल, देखना है इस मुकाबला का कौन सिकंदर बनता है। और फिर लेग साइड पे हिट किया वहां पर फील्डर मौजूद, और अंपायर का इशारा, अंपायर का इशारा छह रनों के लिए, क्योंकि जो फील्डर थे वो डायरेक्ट गेंद को लेकर बाहर निकल गए बाउंड्री लाइन के बाहर। और फिर लेग साइड पे हिट किया वहां पर, देखिए आप लोग, और दो रन से संतुष्ट होना पड़ेगा जितेंद्र को। मिस फील्ड होता हुआ, और काफी सूझबूझ के बॉलिंग रवि जायसवाल द्वारा, और ऐसे ही हलवा में ले लिए बैटमैन को, और अंपायर का इशारा भी आउट। काफी बेहतरीन प्लेस करना चाहा जितेंद्र, मगर दे बैठे कीपर को अपनी विकेट। 9 ओवर के प्रगति पर बढ़ता हुआ स्कोर 121 रन 8 विकेट के नुकसान पर सुरतनापुर का। बॉलिंग मार्फत में है रवि जायसवाल, और बल्लेबाज हिट करना चाहा वहां पर फील्डर मौजूद रवि जायसवाल, सब मिस हो गया एक गेंद, मगर कोई विकेट नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति पर, 9 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 123 रन 8 विकेट के नुकसान पे। अब स्ट्राइक पे हैं अशोक, और बॉलिंग मार्फत पे हैं शोएब जो कि अपने टीम का लास्ट ओवर लेकर, 10 ओवर लेकर आए हैं शोएब, और हिट किया आपके साइड में वहां पर फील्डर मौजूद, और डायरेक्ट कैच, शोएब को पहला विकेट मिलता हुआ, और सुरतनापुर का 9 विकेट लास्ट विकेट, देखना क्या कर सकते हैं ऑल आउट होते हैं या पूरा ओवर खेल के जाते हैं सुरतनापुर के खिलाड़ी। बॉलिंग पे हैं शोएब जो काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी भी उनकी है शोएब का, और पहली बार अपने टीम से आए हैं बॉलिंग करने के लिए,
देखिए आप लोग भी, पहले ही बालों पे पहला विकेट झटका और स्टेट टू स्टेट मारा, वहां पर फील्डर मौजूद और लगातार स्वयं ने कभी बेहतरीन बल्लेबाजी गेंदबाजी की, जो कि आशीष चौधरी काफी खुश होते हुए और यहीं पे स्वयं ने फिनिश किया और यहीं पे समाप्त किया। स्वयं ने दो गेंद पे दो विकेट झटका, सुरतनापुर को ऑल आउट का नजारा दिखा दिए हुए देख सकते हैं आप लोग। और सुरतनापुर का इनिंग समाप्त होता हुआ, पाँच मिनट में बैदौली बैटिंग करेगी, उसके बाद मिलते हैं आपसे।